इस बात की क्या गारंटी है, ऐसा कौन सा उपकरण है इस आईटी सेल के पास जो ये बता दे कि ये जो प्रश्न पत्र है सीन होने के बाद कितनी जगह शेयर किया गया है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ना ऐसा कोई माध्यम है कि कितनी जगह शेयर हुआ। क्या वह लाखों छात्रों तक शेयर नहीं किया गया? क्या 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर पाने वाले छात्र जो 145 क्वेश्चन कर जाते हैं, क्या उन छात्रों की संख्या 60,244 से ज्यादा नहीं हो सकती? हो सकती है। और अगर उनकी संख्या 60,244 से ज्यादा हो सकती है तो किसी शिफ्ट को सरकार यदि ये बोले कि ये पहली शिफ्ट इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला या इसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, एक ठोस साक्ष्य नहीं है, तो क्या सरकार इस बात की अनदेखी करेगी कि एक शिफ्ट में 60,244 से ज्यादा छात्र सफल हो जाएंगे? क्या पहली शिफ्ट के जो छात्र परीक्षा देकर के आए उनके प्रदर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि क्या सरकार ऐसी कोई गारंटी दे सकती है कि पहली शिफ्ट के जो नॉर्मलाइजेशन होंगे उन बच्चों को इतने मार्क्स मिलेंगे कि सेकंड शिफ्ट में जो धांधली करके आए हैं उनके बराबर होंगे? नहीं दिया जा सकता। तो सूरज निकले या सूरज डूबे, सुबह हो या शाम, हमारी एक ही मांग, री एग्जाम। री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। तो बस एक ही मांग को लेकर के साथी चलेंगे। सारे अध्यापक वर्ग ने पहले बहुत सारे आंदोलन चले होंगे, बहुत सारे आंदोलनों में अध्यापक वर्ग एक साथ हुआ है, इस बार भी आप देख पा रहे हैं। इस शायद बहुत सारी चीजें गोपनीय होती है, आप सब लोग एक राय बनाते हैं उस गोपनीयता को लेकर के, जिसके बारे में आपको कोई वास्तविकता नहीं होती, लेकिन आपकी उस राय का स्वागत है क्योंकि आपका एक दुख है, आपका एक दर्द है, और एक दुख और दर्द के लिए छात्र एक नेतृत्व चाहता है और इस पूरे अध्यापक वर्ग का मैं फिर से आभार करूंगा। विवेक सर का, उन्होंने अपनी जान जोखिम में रख के इस मांग को आपके लिए उठाया है। एसएससी गुरुकुल के गुरुजी सुभंशु गुरुजी ने इसको ग्राउंड तल पर चलाया है। मारूफ सर सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी, इसके लिए जितने छात्रों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनकी मेहनत आज आप रंग देखेंगे कि उनकी मेहनत से यहां कितने छात्र जुड़ते हैं। टारगेट विद आलोक, और अगर मैं बात करूं ऐसे ना जाने कितने अध्यापक होंगे, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ा देते हैं, एक संख्या आ जाती है बच्चों के अंदर, एक विश्वास, लोग जानते होंगे और गवर्नमेंट को मीडिया को भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि यूपी कांस्टेबल के अभ्यर्थी तो छोड़िए, ये पेपर मिठाई की तरह उन सबके पास भी पहुंचा है जिन्होंने यूपी पुलिस के लिए अप्लाई तक नहीं किया। मानते हैं इस बात को? ये पेपर हम पढ़ाने वाले अध्यापकों तक भी पहुंचा है और गांव देहात के एक अनपढ़ व्यक्ति तक भी ये पेपर पहुंचा है जिसका पेपर से कोई वास्ता नहीं है। तो ये मांग साथी या किसी भी प्रकार का लॉलीपॉप या किसी भी प्रकार का बहाना मेरे द्वारा, अन्य किसी के द्वारा, या कोई एक झूठा आश्वासन आपको बीच में, आपके इस संघर्ष के रास्ते के बीच में यदि दिया जाता है तो आप क्या उस लॉलीपॉप को स्वीकार करेंगे? हमको इसके लिए मांग तब तक बरकरार रखनी है जब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपका भर्ती बोर्ड की साइट पर या गवर्नमेंट के द्वारा या किसी जो पीठासीन व्यक्ति है उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट आए और एक आश्वासन दिया जाए कि हाँ ये मानना पड़ेगा कि भर्ती में धांधली हुई है, और धांधली नहीं, ये अत्याचार हुआ है। एक छात्र जिसके सपने हैं, हर अध्यापक वर्ग जिसके सपने हैं
किसी भी अध्यापक का भविष्य भी, और मैं उन सारे साथियों से भी आह्वान करूंगा जो यहाँ मौजूद नहीं है, साथी अध्यापक, हम सबका भविष्य इन बच्चों के भविष्य से सीधा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। बच्चे जितना ज़्यादा कामयाब होंगे अध्यापक उतना ज़्यादा कामयाब होगा, बच्चे कामयाब नहीं होंगे अध्यापक कामयाब नहीं होंगे। तो आप सब प्लीज इन बच्चों के जो आंसू हैं, जो इनका दर्द है, जो सपने इन्होंने देखे, कोई धनाढ्य व्यक्ति यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का सपना नहीं देख सकता, सरकार जानती है, हर एक शिक्षित वर्ग का व्यक्ति जानता है कि ये सपना निम्न वर्ग के छात्रों और अधिकतर निम्न वर्ग के छात्रों और बमुश्किल मध्यम वर्ग के कुछ छात्रों के द्वारा ये सपना देखा गया कि हाँ इस बार हम कुछ करके जाएंगे। 60,244 पद देख करके सबका बोलते ना हृदय एकदम से फल फूल गया। पिछला एग्जाम हुआ, कुछ एग्जामों में ऐसा हुआ कि बच्चों को अपना जो साहस है, जो प्रतिभा है वो दिखाने तक को मौका नहीं मिला। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बच्चों को फिजिकल की तैयारी के लिए भी समय नहीं दिया गया, सपने कुचेले गए। बच्चों ने सोचा ठीक है नंबर नहीं आता, 60,244 पद हैं और इसके लिए संघर्ष करेंगे। समय यहाँ भी कम दिया गया था, परीक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह था कि किस तरह से इतने सारे सेंटर बना दिए गए, क्यों गांव-गांव सेंटर बना दिया गया, लेकिन परीक्षा हुई। और सेंटर में आप सब लोगों ने देखा होगा कि शिकायतें ना के बराबर हैं, लेकिन अगर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी पेपर उस एक पिछली पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति तक भी पहुंच जाता है जिसका परीक्षा से कोई सरोकार नहीं है, तो धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर। और साथ ही धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर जिस पर या जिसमें व्हाइट जैकेट पहने हुए, आप सबने भी देखा होगा एक पत्रकार को, उसने कहा है कि जी, एक प्रश्न किया कि जिस ग्रुप में ये पेपर शेयर हुआ कितने लोगों ने उसको सीन किया, क्या ये मूर्खता से भरा सवाल नहीं है? क्या ये मूर्ख बीच में लगभग 2 से 3 फीट का एक रास्ता छोड़ दीजिए। अरे भाई, आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बीच वाली पंक्ति छोड़ देंगे और सब लोग एक दूसरे के सिर से सिर मिला के बैठेंगे। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आज ही बैठना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तो आपकी कोई प्रेजेंस जाएगी उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सब लोगों की एक ही डिमांड है कि परीक्षा फिर से होनी चाहिए। और परीक्षा फिर से क्यों होनी चाहिए? परीक्षा फिर से